वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में Asus का फोन, अगर इसके अंदर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इस हैंग टच को जो है शॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी मैं इसमें टच चलाता हूँ तो इसमें जो है ये बॉक्स बना हुआ रहा और टच की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही। ये देखें, इसमें कोई ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस ये बॉक्स सा बना हुआ आता है। अगर हम सिलेक्ट कर भी लेते हैं तो ये ऐसे साउंड कर रहा है और इसमें कोई इसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ये हैंग हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता दूंगा। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना ईजिली हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें टू फिंगर का यूज करेंगे। ये देखिए, इसमें टू फिंगर का यूज करोगे तो आपकी टच जो है वो चलने लगेगी। तो हम स्लाइड करके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया। अब हम सिंगल फिंगर से नीचे जा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा, हमें टू फिंगर का यूज करना है इसमें। ठीक है गाइस, टू फिंगर का यूज करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस पे डबल टैप करना है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब ऊपर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, ये हमें नहीं करना। सेलेक्ट टू स्पीक भी हमारा ऑफ है। यहाँ नीचे टॉल बैक वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ऑन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर डबल प्रेस कर देंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा, इसको सिलेक्ट करके हम इस पर डबल प्रेस करके यहाँ पे ओके का बटन दबा देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो गाइस, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।